पेट्रोल है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के करीब 26 महीने का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इन 26 महीनों के बाद सरकार कई तरह के विवादों में, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच भी घिरती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और बांडर के विधायक बंधु तिर्की साहब। बंधु जी, आपने जोर देकर कहा है कि 1932 का खतियान लागू होना चाहिए, लेकिन कल इसी विषय को लेकर जब हम लोगों ने दीपिका पांडे जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये बंधु जी का व्यक्तिगत विषय हो सकता है, ये पार्टी का लाइन नहीं है। देखिए, सरकार कोई विवाद में नहीं है, ना किसी विवाद में सरकार फंसते जा रही, ऐसा कोई बात नहीं है। जहाँ तक बात है स्थानीय नीति के संबंध में, बिल्कुल स्थानीय नीति खतियान के आधार, खतियान को आधार मानते हुए उसको परिभाषित किया जाना चाहिए। और मैं अपने पार्टी के अंदर में ही तमाम माननीय लोगों को और पार्टी के वरिष्ठ प्रभारी से लेकर पदाधिकारियों को भी मैं भावना और सब चीज़ों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और आप इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। कोई माननीय अगर कहेगा कि उनका व्यक्तिगत विचार, ये व्यक्तिगत विचार नहीं है, ये झारखंड के आम लोगों का, झारखंड के असली झारखंडियों का ये भावना है, और उस भावना को आप दरकिनार करके यहाँ आप इस चीजों को हटेंगे तो आप ही साफ हो जाइएगा यहाँ पर। तो झारखंड में दो तरह के झारखंडी है, असली और एक नकली। नहीं नहीं, इस बात को नहीं कि बहुत लोग आए हैं यहाँ पर अपना रोजी रोजगार करने, उनको भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन जो रियल है उसको तो उनको भी मानना होगा ना। भाई, रियल की परिभाषा गढ़ नहीं पा रहे ना लोग, गढ़ना उससे बोले कि हम जो आपका जो खतियान आधारित को आप मानिए, कुछ तो करना, जैसे आसाम बिहार बंगाल से लेकर के सब जगह अपना अपना, गुजरात सब जगह है, तो आपको इसमें गढ़ने में कोई नहीं रहेगा। दूसरी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का चुनाव में इन्वेस्टों में भी है, और पार्टी संविधान में भी है सर, जेएमएम का हमको मुख्यमंत्री पर भरोसा है। चूंकि देखिए, सरना कोर्ट के प्रति हिम्मत करके उन्होंने विशेष सत्र बुलाया, और कुछ ना कुछ, चूंकि ये नीतिगत मामला है तो थोड़ा सा मैंने कि आपका पेच और कुछ, यहाँ तो एक से खिलाड़ी लोग हैं ना, तो सरकार को, मुख्यमंत्री को उलझाना चाहेंगे, इसलिए बहुत फूक फूक के चल रहे हैं, लेकिन हमको विश्वास है कि वो निश्चित रूप से परिभाषित करेंगे। बाबूलाल जी कह रहे हैं कि सरकार आपकी सत्ता, आपकी बहुमत, आपका कैबिनेट, आपका डिसीजन क्यों नहीं लेते। हाँ ठीक है, लेकिन ये मामला ऐसा मामला कि हड़बड़ा के भी नहीं करना, लेकिन अब समय नहीं है। कहीं कहीं पर कहीं कुछ ऐसी बातें हैं, तो मुख्यमंत्री को भी चाहिए, सरकार को चाहिए कि सर्वदलीय बैठक बुला करके सबसे राय ले ले। आखिर फैसला तो मुख्यमंत्री को ही लेना है, और ऐसा हेमंत सोरेन जी परिभाषित इसको कर लेंगे तो ये आपको समझ लीजिए कि झारखंड में उसका एक समझ लीजिए कि गुणगान ऐशोगान उसका बढ़ जाएगा, पूरा बहुत बड़ा उसका इसका उसको ही मिलेगा। बंधु साहब, पिछले दिनों एक कार्यक्रम था एसटी समाज का, जिसमें बुद्धिजीवी लोग शामिल हुए थे, उसमें आपने कहा था कि झारखंड के विकास में कुछ लोग रोक रहे, एक कोकस बना हुआ है, क्या वो कोकस आज भी है जो इन चीजों को प्रभावित कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, इनका जो सारे चीजें बहुत एक से एक, आपका लीगल मामले में लेकर के उनका जो आरएसएस का हुआ, उनका जो संघ है, अलग अलग संघ है, उसका जो अनुसंगी इकाई है, ये लोग इसी सब में कुली लोग इंजीनियरिंग करते रहता है कि कैसे यहाँ के लोगों को हम रोकें, कैसे यहाँ के लोगों में हम विवाद पैदा करा करके कैसे हम ये करें, सिर्फ वोट का राजनीति, जोड़ घटाओ बस इसी में। यहाँ के प्रदेश के बारे में उन्हें ही समझता, हम पहले अभी हम सदन में बोला कि भाई यहाँ पर आपका पहला होता था धान नापने वाला, चावल नापने पहला, यहाँ पर गिलास भी होता है, डूबा भी होता है, तो ये डूबा और पहला के बाग को समझना होगा आपको, यहाँ पर इसको समझना। तो यहाँ के अनुरूप में जितने लोग उस लोग हैं आपका संघी लोग, ये लोग यहाँ के बारे में नहीं समझेंगे। जैसे झारखंड में तो लोगों को थोपा गया है संघी चीज, आपका दूसरे जगह से आकर के तो थोपा गया है, तो वो लोग भी आजकल उसी विचार, इसलिए यहाँ बहुत मने कि फूक फूक, इसलिए हेमंत जी फूक फूक करके चल रहा है, और हमको विश्वास है कि उस सही जगह में किक मारेंगे, सही जगह मारेंगे। टाइम थोड़ा लग रहा है उसमें? हाँ टाइम लगेगा, लेकिन अब है कि हाँ थोड़ा सा, चूंकि नीतिगत मामला है इसलिए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हमको विश्वास है, जिस तरह सरना कोर्ट पर ये लोग क्या किया, आज बोलता आज कहीं कहीं पर देखिए, आज सुबह भी कल तक आपका सुदेश महतो का 5-5 विधायक था, इसका भरोसे सरकार चल रही थी जी। क्या किया उसमें, आंदोलनकारियों के लिए कुछ किया, यही स्थानीय नीति पर आपने क्यों किया, नहीं किया, आपके बल पर सरकार चल रही थी, आरोप लगा देना ये एक अलग बात है,
तब है कि देखिए मुख्यमंत्री जी सरना कोर्ट पर भी कल परसु सुदेश महतो का जब रोड जाम तो सरना कोर्ट के बारे भी हम देखे, लेकिन यहाँ पर क्यों ने ई किया सब सहमति से ई करा करके है। और इन लोग का बीजेपी का सरकार है वहाँ पर भारत के अंदर में, तो सरना कोर्ट के बारे जाकर वकालत तो करे। तो जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी सरना कोर्ट के लिए साहसिक कदम लिए हैं, उसी तरह से इसमें भी स्थानीय नीति पर हो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है वो छक्का मारेंगे और ये वो परिभाषित करेंगे। और राज्य की जनता को एक तरफ से कहिए कि जो उनकी पुरानी मांग उसको पूरा करेंगे, हम विश्वास है। और पार्टी में हम लगातार इसको, और हमारे पार्टी में भी ये खतियान आधारित हर हालत में हमारे वरीय नेता इस चीज़ को समझेंगे। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी भी कहा है कि वहाँ का विचारधारा, ना कि नागपुर का विचारधारा, झारखंड के विचारधारा और झारखंड के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के मुताबिक ही वहाँ पर नीतियाँ बननी चाहिए, ये साफ है जी, साफ है। एक सवाल आखिरी है, भानु प्रताप शाही कर रहे हैं कि अभी जो आप लोग कांग्रेस की गतिविधियाँ बढ़ी हैं और आपके प्रदेश प्रभारी तीन तीन बार झारखंड पहुँचे हैं, ये इस वजह से आ रहे हैं कि अब कांग्रेस को फायदा में मुनाफा में हिस्सा चाहिए सरकार से? विपक्ष है उसको जो आरोप लगाना है, देख भाई संगठनात्मक रूप से और प्रभारी हैं तो संगठनात्मक रूप से गतिविधियां करना ये क्या हिस्सेदारी की बात होती है? संगठनात्मक रूप से संगठन को मजबूत करना हिस्सेदारी की बात होती है? ऐसा बात नहीं है। लेकिन विपक्ष है तो विपक्ष तो हमारी गुणगान नहीं करेगा जी। तो और कुछ ना कुछ इस तरह की बात करेगा, इसलिए कोई बात नहीं है। हर लोगों का अधिकार है अपने अपने तरीके से सोचना बोलना, इसमें हम लोग बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। बहुत से कांग्रेस के विधायकों को दिल्ली कॉल किया गया, आप भी उसमें शामिल हैं क्या? नहीं नहीं, अभी किसी को कॉल नहीं किया गया है। जो लोग प्रभारी दीपिका जी गई है, बन्ना जी गया है, चुनाव वगैरह रिजल्ट होगा इसलिए बुलाया गया, ऐसा कोई बात नहीं। झारखंड के संदर्भ में नहीं बुलाया गया? ना। अच्छा, तो ये थे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि गठबंधन सरकार के अंदर कोई किसी तरह का कोई पेच नहीं है, कोई गतिरोध नहीं है, कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बात की पूरी कोशिश